भामाशाह हैं अमित गोदारा, जो कि गांव 4 STG मक्कासर के किसान भी हैं। लंबे समय से कोरोना लॉकडाउन में गरीब परिवारों की सहायता करने में लगातार लगे हुए हैं। या एक और गरीब परिवारों को राशन किट देने की बात हो या दवाई दिलवाने की बात हो, दीन दुखियों के लिए लगातार सहायता देने में आगे रहते हैं। गौशाला में चारा पहुंचाने का कार्य भी इन्होंने युद्ध स्तर पर छेड़ रखा है। कई गौशालाओं को सूखा चारा उपलब्ध करवा चुके हैं। कोरोना लॉकडाउन अवधि में गरीबों की सहायता करने के लिए विभिन्न आयामों पर अभी तक 11 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं अमित गोदारा। इनकी ओर से एक और खूबी बताना चाहेंगे कि मीडिया की खबरों में भी ज़्यादा आने का इन्हें शौक भी नहीं है तथा सरल स्वभाव से दान लगातार करने में लगे हुए हैं। इस मौके पर आज इनसे बातचीत की गई तो इनका क्या कहना है, वह भी आप इनके विचार सुने। हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय में हमने ये एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है, जिसके तहत हम हमारे जो जिला अस्पताल के जो फोर्थ क्लास के कर्मचारी है, जिनको हम कोरोना योद्धा मानते हैं, तो उनके सम्मान के लिए हम उनको टेबल फैन पंखे भेंट कर रहे हैं। कितने पंखे भेंट कर रहे हो आप? 33 पंखे। अच्छा अमित जी, एक चीज़ और बताएं, आप तो लंबे समय से इस कोरोना जो लड़ाई चल रही गरीबों के सहायता के लिए लगे हो, आपने अब तक क्या क्या गरीबों के लिए प्रबंध किए हैं? मैंने जी अब तक मेरी निजी आय में से लगभग 11 लाख रुपए के आसपास लगाकर उसमें जो कार्य किया है वो है, जैसे 1000 से ज़्यादा राशन किटों का वितरण किया है। मक्कासर, 2 केंजी, ग्राम पंचायत ITI बस्ती, उंजा, सुरेशिया, डबली रठान, बावरियों वाली ढाणी, हनुमानगढ़ टाउन और गुरुसर, यहाँ पे इसके अलावा 1000 क्विंटल चारे की व्यवस्था जो करवाई थी मैंने मोल लेके, वो मैंने भिंडवेला में भिजवाया था, 3 गौशाला में, सुरेशिया भिजवाया था और खुंजा भिजवाया था, 1 गौशाला अपने 2 PPNW में है उसमें भिजवाया था, और मक्कासर ITI और 2 केंजे में तो घर घर में ही वितरण किया था। लगभग गरीब परिवारों को काफ़ी लाभ मिला उस चीज़ से। इनकी एक और खूबी हम बताना चाहेंगे कि मीडिया की खबरों में ज़्यादा ये सामने नहीं आते हैं तथा सरल स्वभाव से दान लगातार करने में ये लगे हुए हैं। राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन में इन्होंने आज 33 टेबल फैन, वार्ड बॉय व अन्य सफाई कर्मचारियों को सम्मान स्वरूप देने के लिए आज इन्होंने उपलब्ध कराए हैं और कोरोना रोग के बचाव कार्य में लगे लंबे समय से कोरोना योद्धाओं को आज राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, PMO व PRO सुरेश बिश्नोई व अमित गुदारा के द्वारा आज वहां कोरोना योद्धाओं को इनकी तरफ से उपलब्ध करवाए गए टेबल फैन देकर उनका सम्मान भी किया गया है। इस प्रकार इस मौके पर गरीब परिवारों को लगातार सहायता करने की सभी अधिकारियों के द्वारा इनकी प्रशंसा भी की गई है और कोरोना योद्धाओं के द्वारा अमित गुदारा को धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया है। इनके बारे में कोरोना योद्धाओं ने सम्मान करने के बाद क्या कहा, वह भी आप सुने। सम्मानित किया अमित गुदारा ने, पंखा उपलब्ध कराया मक्कासर वाले, क्या कहेंगे इस संबंध में? अच्छी बात है जी, जो आज हमारे गरीबों के बारे में उन्होंने सोचा कुछ, ठीक है, किसी के तो दिल में ये चीज आई कि भी हमें सम्मानित होना चाहिए, लेकिन अमित गुदारा जी से हमारी अपील है ये कि आगे हमारी बात बढ़ाएं और हमारी सैलरी बढ़ाने की रिक्वेस्ट है कि आगे हमारी सैलरी बढ़वाई जाए। जिन्होंने हमें सम्मानित किया और यहाँ आए हैं, हमें अच्छा लगा, पर सर हमारी उनसे एक मांग है कि हमारा वेतन सिर्फ 4300 रुपये है, हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं उस बारे में हमारे सोचा जाए कि हम भी ये चाहते हैं कि हम भी हमारे बच्चों का भरण पोषण अच्छे से करें। 4700 रुपये में घर नहीं चलता सर, प्लीज हमारी उनसे यही निवेदन है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। आज के चिकित्सालय में कार्यरत वार्ड बॉय व अन्य सफाई कर्मचारियों ने इस मौके पर अमित गुदारा को तथा जिला कलेक्टर को
सम्मान के लिए धन्यवाद देने के साथ साथ लगे हाथ अपने मानदेय की बढ़ोतरी करने की मांग भी जिला कलेक्टर के सामने रख दी है। यानी अपनी पीड़ा को भी रखने में उन्होंने मौका नहीं गुमाया है। उन्होंने मांग की है कि हमारे अल्प मानदेय को बढ़ाकर परिवार को चलाने योग्य मानदेय में बढ़ोतरी करवाने के लिए जिला कलेक्टर हमारे जो है सहायता करे। इस मौके पर जिला कलेक्टर के द्वारा भी मामा शाह अमित गोदारा के द्वारा लगातार कोरोना रोग लॉकडाउन में गरीबों की सहायता करने की प्रशंसा की है। उनका क्या कहना है वह भी सुने। मक्का सर के अनेक बुलाया भी है, उन्होंने एक सफाई कर्मचारी और छोटे कर्मचारी जो यहाँ पे काम करते हैं हॉस्पिटल में उनको सबको कंप्लेन रिपीट की है। अनेक बुलाया पहले भी लॉकडाउन के दौरान काफ़ी मदद की है, उसमें 12 लाख रुपये की लोगों को मदद की है, जिसका नाच की किट भी दिए हैं और भी जरूरी सामान उनको दिए हैं। इसके लिए अंदर आए थे। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे छोटे कार्यकर्ता हैं उन सबका मनोबल बढ़ाया गया और उनकी जरूरत है। एक बात जरूर कहनी पड़ेगी कि बहुत कम ऐसे मामा शाह होते हैं जो दान भी करते रहते हैं और मीडिया या खबरों में भी कम आना चाहते हैं। इस प्रकार के मामा शाह अमित गोदारा जो लगातार अपने मिशन में लगे हुए हैं, गरीबों की सहायता करने में लगे हुए हैं, यह एक अच्छी पहल है और इसको देखकर अन्य लोग भी प्रेरित होंगे और गरीबों को दीन दुखियों को समय समय पर सहायता करने के लिए आगे भी आएंगे। करम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी, हनुमानगढ़।